कार्डबोर्ड और वॉल पुट्टी से बनाएंगे ये ब्यूटीफुल से स्मॉल प्लांटर, जो कि बनाना है बहुत ही आसान। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित साई आर्ट स्वागत करता हूं आपका हमारे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम कार्डबोर्ड ले लेते हैं, जिन्हें अपनी पसंद से हम कट कर लेंगे। एक मेरे पास बॉटल थी जिसको मैंने हाफ कट कर लिया है, और एक ये पता नहीं क्या है, मैंने सोचा आज इसी का यूज़ कर लेता हूँ। अब हम अच्छी तरह टेप लगा लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने दोनों कार्डबोर्ड पर टेप लगा दिया है। यहाँ पर बॉटल पे लगाने के लिए मैं पॉलीबैग का यूज़ कर रहा हूँ। कुछ इस प्रकार पॉलीबैग को टेप से अच्छी तरह लगा लीजिए। एक वायर का पीस लेंगे जिसे हम कुछ इस प्रकार टेप से चिपका देते हैं। और यहाँ पर मैं एल्यूमिनियम फॉइल का यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहो तो पॉलीबैग का भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने एल्यूमिनियम फॉइल के साथ पॉलीबैग का भी यूज किया है। वॉल पुट्टी से डो बना लेते हैं। इस बात का ख्याल रखें, जब भी डो बनाए पानी थोड़ा थोड़ा ही ऐड करें। अगर आपको वॉल पुट्टी से डो कैसे बनाया जाता है इसका वीडियो देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। डो को इस प्रकार गीले कपड़े में रखें ताकि आप इसका यूज 3 से 4 घंटे तक कर सकते हैं। यहां पर क्राफ्ट बनाने के लिए कुछ इस प्रकार प्रोसेस फॉलो करें। कार्डबोर्ड पर पानी लगाइए और वॉल पुट्टी को चिपका दीजिए। यहाँ पर हम मोर के पंख की तरह टेक्सचर दे देते हैं। इसे अब हम ड्राई होने के लिए धूप में रख देते हैं। इस प्रकार पतले शीट बनाकर अपने क्राफ्ट पे पानी की सहायता से चिपकाते जाइए। शीट को क्राफ्ट पे चिपकाने की प्रोसेस अच्छी तरह देख लीजिए, उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आगे वर्क कंटिन्यू करें। इस प्रकार पानी द्वारा उंगलियों की सहायता से क्राफ्ट को स्मूथ करते रहे। पहले एक साइड वॉल पुट्टी लगा लीजिए, उसे ड्राई होने दे, उसके बाद दूसरी तरफ वर्क करें। पर कुछ इस प्रकार टेक्सचर दे देते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सको।
दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक कर दीजिए। वीडियो को लेकर जो भी विचार हो कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए। इस प्रकार हमारे चारों पीसेस अच्छी तरह ड्राई हो चुके हैं। वॉल पुट्टी के गाढ़े पेस्ट से इन्हें अच्छी तरह चिपका दीजिए। ये बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, तो इन्हें 320 नंबर के सैंड पेपर से अच्छी तरह फिनिशिंग दे देंगे। और अब बारी आती है अपने क्राफ्ट पर कलरिंग करने की। दोस्तों ब्रांड नेम ध्यान से देखिए, वॉल पुट्टी के क्राफ्ट पर एक्रीलिक कलर ही किया जाता है। यहाँ पर इसका प्राइस दिया हुआ है, ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। दोस्तों कलर आप अपनी पसंद के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं।
दोस्तों, मेरे पास कुछ ये फ्लावर रखे हुए थे, तो मैं इनमें से ये कुछ इस तरह से लगे हुए हैं, तो मैं इन्हें ही कट करके आज इनका यूज़ कर लेता हूँ। दोस्तों, अब हम यहाँ पर कुछ कट मिरर यूज कर लेते हैं। और इस प्रकार हमारा सुंदर से ये क्राफ्ट तैयार है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं रोहित साई आर्ट फिर मिलता हूँ एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम।